और जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। दिल्ली से जयपुर तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह जयपुर में बीजेपी मुख्यालय और सीपी जोशी के आवास पर बैठकों का दौर लगातार जारी। आज हो सकता है पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान, संभवतः अगले दिन दो दिन में कभी भी बुलाई जा सकती है विधायक दल की बैठक। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री को लेकर जो है सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी विधायक दल की बैठक और सीएम के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। विधायक यहाँ मिलने आ रहे हैं, विधायक स्वाभाविक है, पार्टी कार्यालय सबका श्रद्धा का केंद्र है। सभी हमारे नवनिर्वाचित विधायक अपने क्षेत्र में चुनाव में विजयश्री होने के बाद सब लोग यहाँ आ रहे हैं और लगातार ये सिलसिला है। और विधायक दल की बैठक का भी जल्दी तिथि होते ही सबको सुनता है। देखिए जल्दी होते ही आपको सबसे पहले तो दिल्ली से जयपुर तक सीएम के फेस को लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के लगातार लोग कयास भी लगा रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, ऐसा बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। दिल्ली से संवाददाता लखवीर सिंह लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से जहां पर सौरभ संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं लखवीर आपका रुख करूंगी, जयपुर से लेकर के दिल्ली तक लगातार मंथन किया जा रहा है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर के क्या अपडेट मिल पाया? जी बिल्कुल, अब राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में सीएम फेस को लेकर कवायद तेज है, चूंकि कल देर रात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे थे। करीब 4 घंटे का लंबा मंथन हुआ है राजस्थान सहित तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। इस बात को जो फीडबैक प्रदेश से आया है, जो विधायकों का जो रेस्पॉन्स है उसके आधार पर जेपी नड्डा ने बातचीत की है। तीनों नेताओं के बीच गहन चिंतन और मंथन हुआ है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि जो दावे और वादे कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है उनको बुनियादी तौर पर सामने रखा जा सके और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चला सके, ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पर्यवेक्षक बनाकर किसे भेजा जाए, क्योंकि किसी बड़े और सीनियर राष्ट्रीय महामंत्री के साथ ही केंद्रीय मंत्री को राजस्थान भेजा जा सकता है, जो कि राजस्थान में जाएंगे और विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे, उनके जो फीडबैक है, उनके जो उनका जो मन है उसको एकत्रित कर पार्लियामेंट्री बोर्ड को सौंपेंगे। और साथ ही ऐसा सीनियर व्यक्ति चाहिए पर्यवेक्षक के लिए जो कि कोऑर्डिनेट कर सके विधायक दल से, जो पार्टी का जो मन है, पार्टी का जो फैसला है उसको कहीं ना कहीं मना सके उन तमाम विधायकों को और साफ तौर पर रख सके। इसलिए देरी भी हो रही है पर्यवेक्षक के चुनाव में, हालांकि आज देर शाम तक पर्यवेक्षक का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दिया जाएगा। साफ तौर पर अगर संभावित नामों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा जा सकता है, जो कि विधायक दल की बैठक संचालित करेंगे। हाँ। और उनके तरफ से जो नाम सामने आया है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को सौंपेंगे। आज शाम तक संचालित करेंगे, लेकिन विधायक दल की बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट है लखवीर, ये भी बड़ा सवाल है। सौरभ, विधायक दल की बैठक को लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, अभी विधायक दल की बैठक जो है वो तय नहीं हो पाई है, वो इसका मुख्य कारण जो है वो मुख्यमंत्री का पहले जो फेज जो है वो तय होना है और साथ ही मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा ये तय होना, और उसके बाद जब ये सब कुछ तय हो जाएगा उसके बाद जो है वो विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई जाएगी। बीजेपी एक फार्मूला जो है वो तैयार कर रही है, वो फार्मूला ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी फार्मूला तैयार किया जा रहा है कि किस रूप में बीजेपी को आगे बढ़ना है, क्या पुराने चेहरों को ही जो है वो सत्ता की बागडोर जो है वो सौंपनी है या फिर नए चेहरों के हाथ में सत्ता जो है वो सौंपी जानी है। पर्यवेक्षक की नियुक्ति कोई बड़ा विषय जो है वो पार्टी के लिए नहीं है, अभी पार्टी का मुख्य फोकस ये है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, और फिर चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री भी राजस्थान में बनाने हैं और मंत्रिमंडल भी जो है वो बनाना है, तो सोशल इंजीनियरिंग किस प्रकार से करनी है, क्षेत्रों को किस प्रकार से साधना है,
किस प्रकार से जो भी नेता चुना जाएगा वो 2024 के चुनाव में किस प्रकार की अपनी भूमिका जो है वो अदा कर सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी में अभी मंथन का जो दौर है वो लगातार जारी है। इस बीच जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के आवास पर विधायकों का एकजुट होना शुरू हुआ था, तो उस संदर्भ में भी पार्टी को बहुत कुछ सोचना है, निर्णय लेना है। इस लिहाज से अभी देरी जो है वो हो रही है और जयपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो या फिर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, ये लोग तमाम रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाना है, चूंकि पहले ये सब कुछ तय होगा और उसके बाद ही जो है वो आगे किस प्रकार से बढ़ा जाना है उसको लेकर निर्णय किया जाएगा। जी ठीक है सौरभ और लखवीर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।